भीख मांगे खाते हो सर, मकान नहीं है, मकान का भाड़ा भरती हूँ 2000। मैं मेरे का घर नहीं के बाहर नहीं। आप रोइए मत, परेशान मत होइए, है ना, जीवन में संघर्ष कोई दिक्कत नहीं। आप क्यों भीख मांग रही है, आपके बच्चे बच्चे नहीं है? बच्चे पना नहीं काम मिलता है दादा। छोकरो मरी गयो, घर वाला से पढ़ो अंधड़ा से देखा तू नहीं। क्या लगता है आपको, सरकार कुछ कर रही है आपके लिए? नहीं कुछ कर रही। वोट डालते हैं आप भी? किसे वोट डालते हैं? किसको? मोदी को देता है। इधर अच्छा नहीं लगता सब भीख मांगने में, समझ क्या करे, मजबूरी से बैठते हैं। कोई आटा देता है, कोई चावल देता है, बना लेते हैं। कुछ मिलता ही नहीं है साहब, नहीं राशन, मेरा झुपड़ा तोड़ दिया साहब। वोट डालते हैं, राशन कार्ड नहीं है, कैसे डालेंगे सर? और हमारे ना आगे पीछे कोई कमाने वाला है। आप सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम बिमला प्रकाश। बिमला प्रकाश आपका नाम है, आप राजस्थान से ही हैं? हाँ राजस्थान। राजस्थान कह रहा हूँ, सॉरी गुजरात से। नहीं राजस्थान। आप राजस्थान से हैं? हाँ जी, इधर मेरा जन्म भूमि इधर की है, राजस्थान में शादी करी मतलब। हाँ तो जन्म भूमि। तो क्या दिक्कत है आपको? मैं साहब कमा नहीं सकते हम, और भीख मांगे खाते हो सर, मकान नहीं है, मकान का भाड़ा भरती हूँ 2000। कहाँ रहते हैं आप? भद्रे सर। कहाँ रहते हैं? भद्रे। तो वहाँ क्या भाड़ा वाड़ा कितना लगता है आपका? 2000 भाड़ा, लाइट बिल सब साथ में आ गया 2000। कितने लोग हैं आप? मैं नहीं, ये लड़का। सरकार ने कुछ किया नहीं कभी आपके बस्ती नहीं में? आती नहीं, किया है? आती नहीं। कोई नेता वगैरह? कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं आता। चुनाव के टाइम पे कोई आता है? चुनाव के टाइम पे कोई आता है? मिलता है भाई, हमारा राशन कार्ड नहीं तो अनाज कहाँ से मिलेगा? तो बनवाते क्यों नहीं है राशन कार्ड? राशन कार्ड सब मेरे को आता नहीं है ना बनवाना। आंसू पहुँचिए आपने, आप रो क्यों नहीं है? मेरी आंखों। आप रोइए मत, परेशान मत होइए, है ना, जीवन में संघर्ष है कोई दिक्कत नहीं। आप रो क्यों रही हैं? रोइए मत, पहले नॉर्मल होइए, परेशान मत होइए, ऊपर वाला सब देखता है, चिंता मत करिए। इधर अच्छा नहीं लगता सब भीख मांगने में, समझ क्या करे, मजबूरी से बैठते हैं। हमारा ना रहने का है ना कुछ है, भीख मांगते है ना कोई है देने वाला, कमा के कोई आगे पीछे है मिलता है आपको? कुछ मिल जाता है? पूरे दिन बैठते हैं? पूरे दिन बैठती हूँ, ये मंदिर का काम करती हूँ, मंदिर में पोता झाड़ू करती हूँ। मंदिर में झाड़ू पोछा करते हैं, उसके बदले में कुछ पैसा मिलता है? मिलता है, 2000 देता है, 2000 ऐसे कैसे मकान वाले को देते हैं महीने का 2000। हाँ। क्या चाहती हैं सरकार आपके लिए, क्या करे? कुछ नहीं। आप रोइए मत, आप पहले सिर्फ हमको चाहिए रहने का, थोड़ा सुविधा मिले हमको बस, थोड़ा सुविधा मिल जाए जिससे जीवन यापन होता रहे बस, है ना। आप बताइए, आप भी आप कितना कमा लेते हैं यहाँ रह के? हम क्या कमाते दादा, ये तो साई पानी में जाता रहता है, कोई 2 रुपया दे, कोई 1 रुपया दे, क्या बेता है इसमें, दवाई लेते हैं। आप भी वहीं रहते हैं जहाँ ये लोग रहते हैं? हमेशा यहीं से रहते हैं, ये लोग रहे यहीं से रहते हैं। क्या लगता है आपके बस्ती में कभी कोई नेता कुछ दिलासा देने नहीं आता कि हम आपके साथ हैं? मेरे तो भैया मैं अकेली हूँ, तो हमारे समाज में है ना, उसके घर है, उसके पड़ी रहती हूँ मैं, मेरे का घर नहीं के बाहर नहीं। राशन वगैरह आपका नहीं है? राशन नहीं है, खरीद के खाते हैं? हाँ बस ये मांग के खाती हूँ, आज सूती। बच्चे वगैरह हैं आपके? नहीं बाबा बच्चे नहीं है। आपके घर में कितने, आप अकेले? गुदर क्या? आपका नाम क्या है? है? नाम क्या है? नाम शांता। शांता, क्या लगता है आप क्यों भीख मांग रही है, आपके बच्चे बच्चे नहीं है? बच्चे पना नहीं काम मिलता है दादा। बच्चों को काम नहीं मिलता? हाँ। आप गुजरात के रहने वाले हैं, कहाँ के हैं? गुजराती है ना। आप गुजराती हैं, कितने सालों से रह रहे हैं आप? कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे? बहुत टाइम हो गया है ना, घर वाला भी मर गया, सासू मर गई, ससुरा मर गया। तो आपके घर में आपको कमा के खिलाने वाला कोई नहीं है? नहीं है, छोकरा था सर, पर नहीं मिलता है काम, करिया काम एक दिन मिलता है, 10 दिन घर पे रहता है। ये बड़े चूल्हे लाले बैठते हैं तो रुपया रुपया रुपया। आपका खाना पीना कहाँ होता है? है आप खुद बना के खाते हैं? कभी कभी दे के जाता है कोई? कोई आटा देता है, कोई चावल देता है, बना लेते हैं। खाना मिल जाता ना, भूखे सोना तो नहीं पड़ता ना आपको? मिलता है खाना, मिलता है ना, बस थोड़ी पैसों की दिक्कत है। खाना तो मिलता है, केरा मेरा बिस्किट बिस्किट सब मिलता है, आटा मैं वही तो देता है को, देखा 2 रुपया 5 रुपया 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 देते हैं, आटा लेके जाते हैं।
तो फिर तो रोटी बना देते हैं, आटा लेके गुजारा करते हैं आप। आपको भाड़ा वाड़ा भी देना पड़ता है क्या? आपको भी कमरे का किराया विराया देना पड़ता है क्या? है? खुद का है कपड़ा बपड़ा तो कोई तो बड़ी चादर वादर वाला ना कर को। आप वोट डालती हैं दादी? वोट डालती हैं? वोट वोट डालती हैं? नोट वोट वोट चुनाव में वोट डालती हैं? नेता नेताओं को वोट डालती हैं? क्या लगता है आपको, कोई पार्टी कुछ करती है नहीं करती है आपके लिए? नहीं है ना, कोई कुछ नहीं करती है। आपका नाम क्या है? मनसी बहन है सब। क्या नाम? मनसी बहन। मनसी बहन, हाँ। आप भी यहीं के ही हैं? शू करिए साहब, कोई आसरो ना हो इतना आई आई बेसिए मंदिर है तो कोई आपस साहब को है ना, छोकरो मरी गयो घर वाला से पण वो अंधड़ा से देखा तू नहीं, शू करूँ यहीं आई बेस। अकेले ही कमाने वाले? बस कुछ मिलता ही नहीं है साहब, नहीं राशन, मेरा झुपड़ा तोड़ दिया साहब। छोकरी जो मर गई, छोकरी का छोकरा इतना इतना बेटा है, माँ बाप मर गया, छोटा छोटा बच्चा मैं के ऊपर चले गया तो नहीं देता है सब, क्या करे। मेरे झोपड़ा था तो तोड़ दिया वो कैंटोनमेंट वाले ने, झोपड़ा आपका तोड़ दिया? तोड़ दिया, बोले तुमको सहारा देगी, कुछ नहीं दिया सब। झोपड़ा तोड़ने के टाइम कहा था सहारा देंगे? हाँ ऐसा बोला था। और तोड़ने के बाद कुछ नहीं दिया? कुछ नहीं दिया सब। आप लोग उनके पास नहीं गए जिन्होंने झोपड़ा तोड़ा था? नहीं साहब, अभी उधर ही सदर बाजार में रहते थे तो ऐसे झोपड़ा तोड़ दिया, तो अभी भदवेश्वर में ये भाड़ा का मकान लेके उसमें परे है, क्या करे सब। यहाँ बीजेपी का ऑफिस वगैरह है, आप लोग कभी मिलके जाते नहीं कि साहब हमारे बारे में भी कुछ सोचिए? शुक्र नहीं जाते, कोई कमाना वाला है कमानी है नहीं, कुछ नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है, क्या करे सब, ऐसे गुजारा चलता है। आप रोज यहीं पे आते हैं? क्या करे, अभी वो अब अपने कंट्रैक्ट में जाते थे साहब, वो म्युनिसिपैलिटी में उधर बंद कर दिया, वो झाड़ू लगाने के लिए म्युनिसिपैलिटी में जाते थे कॉन्ट्रैक्ट ऊपर, उसने भी घर पे बिठा दिया, कुछ सहारा उसने भी नहीं दिया सर, क्या करें। आप भी यहीं रहते हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम भला भाई है। भला भाई, हाँ। क्या लगता है आपको, सरकार कुछ कर रही है आपके लिए? नहीं कुछ कर रही है। वोट डालते हैं आप भी? हाँ, वोट। किसे वोट डालते हैं? किसको? मोदी को देता है। मोदी को आप जब वोट डालते हैं तो मोदी जी के जो नेता हैं यहाँ पे वो कभी कहते नहीं आपने हमें वोट दिया? कोई सुनेगा नहीं, इतनी पब्लिक में थोड़ी कोई सुनेगा हमारा, इतनी पब्लिक उसके पास जमा होती है, पुलिस कितनी होती है, कोई नहीं जाने देगा, कोई नहीं जाने देगा। हाँ, राशन वगैरह भी आपको कोई नेता वगैरह नहीं देते हैं? नहीं नहीं कोई नहीं देते। आपके भी बच्चे वगैरह? हाँ औरत है, बच्चे है दो। कैसे फिर वो, क्या आप बड़े हैं छोटे हैं? छोटे छोटे है, छोटे हैं। हाँ छोटे। कमाई का साधन आपका, आप यहीं से जो कमाते हैं वही है और कुछ भी मजदूरी करते हैं? कोई काम वाम आता है तो जाता है, फालतू में काम मतलब रोज नहीं आता है, कभी कभार आ जाता है, कभी कभी आ जाता है, मतलब बहुत संकट में है कुल मिला के ये है। लालू भाई आप देख रहे हैं किस तरीके से ये लोग एक मंदिर के पास बैठ के अपना गुजारा करते हैं। सरदार नगर एरिया है, अहमदाबाद एयरपोर्ट से 2 से 2.5 किलोमीटर का रास्ता है, पीछे की तरफ एयरपोर्ट की दीवार जुड़ जाती है जिसे एक पॉश एयरपोर्ट कहा जाता है। उस एयरपोर्ट की दीवार से आप इस तरफ आते हैं तो सबसे पहले आपको बस्ती नज़र आएगी जिसे गुजरात मॉडल कहा जाता है, लेकिन उस एयरपोर्ट की एक दीवार के बाहर आप जब पलट के देखेंगे तो एक झुग्गी झोपड़ी की बस्ती नज़र आती है जहाँ पर 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से मिलती है। उस 2 वक्त की रोटी को जुटाने के लिए कुछ लोग मंदिर के बाहर बैठते हैं तो कुछ लोग मेहनत मजदूरी करके अपना खाना खर्चा और गुजारा करते हैं। इनका कहना है कि सरकार की तरफ से जो राशन मिलता है वो भी इनके घरों तक नहीं पहुँचता, और अगर ये राशन के लिए जाते हैं तो ये राशन उनको नहीं दिया जाता है। मेहनत मजदूरी ना मिलने के कारण ये लोग रुपए 2 रुपए के लिए मंदिर के बाहर बैठ के अपना गुजारा खर्चा चलाते हैं। हमारी सरकार से विनती है कि आप प्लीज़ इनकी मांगों को सुनिए, इन्हें नज़रअंदाज मत करिए। एक ज़माना था जब इन्होंने आपको वोट किया था और आपके लिए ये सबसे आगे आए थे अपना पूरा समय छोड़ के, आज इन्हें देखने वाला कोई नहीं है, आज ये परेशान हैं, रो रहे हैं, बड़े संकट में हैं, और बहुत शर्म की बात है कि ये गुजरात मॉडल है जहां पर मंदिर के बाहर महिलाएं बुज़ुर्ग भीख मांगकर अपना गुजारा कर रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नमस्कार।